हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलंकारा कॉस्मेटिक्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ विदाउट शोल्डर जो हेयरडेमी आते हैं उसका क्वालिटी टेस्टिंग आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें सब हीट हम लोग यूज कर सकते हैं यानी इसका लेंथ वगैरह कैसा है, इसका हेयर का वॉल्यूम कैसा है और ये हम लोग प्रोफेशनली यूज कर पाएंगे यानी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए, ये फर्स्ट में मैं आपको हेयरडेमी दिखा दे रहा हूँ। तो ये हेयरडेमी हो गया और इसके साथ जो स्टैंड आता है, इसके साथ एक आपको टेबल स्टैंड फ्री मिल जाएगा। तो वो किस टाइप का स्टैंड होता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इस टाइप का टेबल स्टैंड आपको फ्री मिल जाएगा। तो इसको सेट कैसे करते हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से। तो चलिए इसका मैं सेटिंग अप दिखा दे रहा हूँ आपको, जो ये कैसे सेट करना है। इसमें पहले आप देखिए, यहाँ पे एक बकल दिया हुआ और ये वाला जो है इसको हम लोग को ऐसे घुसा देना है अंदर, और ये जो ढीला है इसको हम लोग को टाइट करना है। तो हम लोग कैसे टाइट करेंगे, देखिए ये वाला सेटिंग अप करके। तो ये जब तक हम लोग टाइट नहीं कर रहे, ये देखिए आपको ढीला मिलेगा, तब हम लोग इसको टाइट कर दे रहे हैं घुमा के। तो ये देखिए, जब मैंने इसको टाइट किया तो ये स्टैंड भी अपना टाइट हो चुका है, ये भी अपना टाइट हो चुका है। और ये जो हुक है ये हम लोग को टेबल सेट करने में काम आएगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं टेबल कैसे सेट करना। और इसके साथ देखिए, ये दो ठू आपको नॉब दिया हुआ है। ये नॉब कहाँ लगेगा, ये एक्चुअली दिया हुआ है इसके लिए, इसमें चाहिए। और ये हो गया, ये इधर लॉक होगा। ये एसेंशियल नहीं है उतना, लेकिन ये एसेंशियल है लॉक करने के लिए, मगर ये उतना एसेंशियल नहीं है। तो फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा, तो मैं आपको अभी लॉक करके दिखा रहा हूँ जो अपन टेबल में कैसे लॉक करेंगे। तो ये टेबल में आप देखिए, ये टेबल में आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा। कोई भी हम लोग जब टेबल यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको ऐसा स्पेस मिलेगा, तो उसमें अभी हम लोग सेटिंग करेंगे। तो अभी देखिए, अभी हम लोग सेट कर रहे हैं। तो ये वाला आप देख सक रहे हो, तो मैं ये जो स्क्रू है, ये नॉब जो है, इसको मैं यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे स्क्रू घुसाने का जगह, इधर से मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ से इंसर्ट कर दे रहा हूँ और ये देखिए, ये इधर निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए सामने की तरफ ये स्क्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रू को हमको इधर टाइट करना है। तो इधर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये फिशर या ये नॉब जो है, ये जो फिशर या नॉब आप कुछ भी बोल सकते हो, इसे मैं इधर सेट कर दे रहा हूँ, जिससे ये इधर अच्छे से लॉक हो जाए। अगर ये नहीं होगा तो ये डायरेक्ट इधर ये लूज होने का चांसेस रहेगा। तो मैं इसको टाइट कर दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं इसको इधर घुसा रहा हूँ। तो ये देखिए, घुसाने के बाद मैं इसे टाइट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये टेबल में अच्छे से टाइट हो चुका है, ये गिरने का कोई डर नहीं है और ये अच्छे से टाइट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो डमी हम अपने पास है, तो अब हम लोग डमी को सेट करेंगे। तो ये डमी को हम लोग कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग को पता ही है जिधर डमी में जगह दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे सेट कर दिए। तो ये देखिए, अपना डमी सेट हो चुका है, ये हम लोग स्टैंड में ये डमी सेट कर दिया। अगर हम लोग का अभी बैक में काम करना है हेयर में, तो हम लोग इसको चाहे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को पीछे तरीके से बाल के तरफ देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसका बाल के तरफ जो है उसे हम लोग ऐसे करके सेट कर दिए हैं। देखिए ये सेट हो चुका है, ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी हम लोग इधर हेयर स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम पहले इसका हेयर का जो लेंथ है वो देख लेते हैं, क्योंकि हेयर लेंथ बहुत मैटर करता है। मार्केट में बहुत सारी डमी मिलती है जिसका हेयर लेंथ बहुत कम होता है, इतना कम होता है जो उसमें अच्छे से हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाते। तो पहले इसका हेयर लेंथ देख लेते हैं, जो इसका हेयर लेंथ कितना आ रहा है। तो देखिए, मैं कहां से हेयर लेंथ का मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका जो एकदम स्कैल्प है उसके सामने से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, इसका हेयर लेंथ लगभग 28 to 29, 30 इंचेस तक लंबा है। तो आप अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलिए, अगर आपका हेयर डमी में 26-27 इंचेस तक हेयर है, इसका मतलब वो अच्छा क्वालिटी का उसका हेयर लेंथ है। उससे कम अगर हो, जैसे 15 इंचेस, 17 इंचेस, 18 इंचेस, 19, 20 इंचेस तक हो, तो वो डमी हम लोग को अवॉइड करना है। तो हम लोग को देखना है इसका हेयर, हम लोग का जो लेंथ है वो कम से कम 24 इंच के ऊपर होना चाहिए। तो 26, 27, 28, 25 तक अगर इसका लेंथ हो, जैसे इसका लेंथ हमारे पास जो आपको डमी मिलेगा, उधर आपको 28-29 तक का लेंथ मिल जाएगा। तो ये हेयर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसके वॉल्यूम का। तो हेयर वॉल्यूम एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आपका बाल ज्यादा नहीं होगा, अगर आपका बाल कम होंगे, तो फिर आप उसमें हेयर स्टाइलिंग ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसका जो वॉल्यूम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार। ये देखिए इसका वॉल्यूम, ये देखिए इसका वॉल्यूम हेयर का, तो बहुत ही हाई वॉल्यूम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और देखिए, बहुत सारे डमी आते हैं जहां पे आपका स्कैल्प में आपको दिखेगा खालीपन, जिस सामने बाल नहीं रहते, तो इसमें आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। जब आप देखिए इसमें कितना बाल अवेलेबल है,
तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें हेयर कितना है, जिससे आपको खालीपन नहीं लगे, इसका स्कैल्प इसको नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें आप देख सक रहे हो हेयर, ये देखिए इसका हेयर का, ये देखिए। तो इसमें जो हेयर आपको मिल रहा है, देखिए बहुत सारा हेयर को हटाने के बाद अपन को ये खाली जगह दिख रहा है, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर जितना ज्यादा हेयर रहेगा उतना आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो इसका हेयर ग्रोथ आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ है। अब चलिए हम लोग बाकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डमी मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, तो ये है एक्चुअली 100% हेयर वाली डमी। तो हम लोग इसे 100% बोलते हैं, इसमें बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगा, जैसे 80% आते हैं, 50-50 आते हैं, तो ये 100% होते हैं। तो 100% मतलब ये मत समझिएगा जिसमें 100% ओरिजिनल हेयर है, डेफिनेटली सिंथेटिक मिक्स रहता है लेकिन उसका क्वांटिटी बहुत कम रहता है। सिंथेटिक आपको थोड़ा मिक्सिंग मिलेगा लेकिन उसका क्वांटिटी बहुत कम रहता है। और आप अच्छा डमी कैसे समझोगे, अगर आप उसमें हीट अच्छा से यूज कर पा रहे हो। हम लोग जब कोई मशीन यूज करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं, जो कोई भी मशीन में 230 डिग्री तक हाईस्ट हीट हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखे देखेंगे जो 230 हीट तक ये वाला काम करते है कि नहीं, और इसका जो बाल है वो 230 हीट को ले सक रहा है कि नहीं, तो हम लोग को इसका हेयर क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। देखिए मैं अभी फिलहाल बहुत अनप्रोफेशनल एक क्रिम्पर से काम कर रहा हूँ। ये बहुत सस्ता क्रिम्पर है, VNG प्रोडक्ट, VNG का क्रिम्पर, ये आप देख सक रहे हो, माइक्रो टाइटेनियम क्रिम्पर है VNG का। और इसमें देखिए मैंने डिग्री दे रखा है, हीट दे रखा है 220 डिग्री। इसमें जैसे 220 डिग्री तक हम लोग हीट दे सकते हैं क्योंकि इस मशीन में 220 तक है, 230 भी जैसे आइकोनिक के मशीन वगैरह में 230 तक हम लोग हीट दे सकते हैं। तो अभी मैं बहुत बेसिक क्रिम्पर यूज कर रहा हूँ, अगर ये अच्छा से काम कर गया तो सोचिए अच्छा क्वालिटी का प्रोफेशनल क्रिम्पर कितना अच्छा से काम कर सकता है। तो ये सबसे लो रेंज में क्रिम्पर है जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ। तो चलिए ये एक बार यूज करके हम लोग देख लेते हैं जो कैसे क्रिम्पिंग बैठ रहे हैं। तो देखिए अभी हम क्रिम्पिंग देना स्टार्ट करेंगे तो VNG वाला मशीन में, और देखिए 220 डिग्री तक हम लोग देके रखे हैं। तो चलिए इसमें हम लोग अभी मशीन यूज करने वाले हैं, तो देख लीजिए इसका बाल जलता है या हम लोग इसमें मशीन यूज कर सक रहे हैं। ये गर्म हो रखा है तो इसको अच्छे से पकड़ लो एक बार जी। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं रिजल्ट इसका क्या आता है। क्रिम्पिंग देखिए कितना अच्छा क्रिम्पिंग बैठा है, एक बार अच्छे से आप खुद ही देखिए कितना अच्छा क्रिम्पिंग बैठ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा क्रीम करके हम लोग देख लिए इसमें क्रिम्पिंग और हेयर स्टाइलिंग हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। आप देखिए क्रिम्पिंग का। अच्छा देखिए अभी हम लोग जो मशीन यूज करने वाला है कर्लिंग के लिए, तो ये केमई का लोकल ब्रांड का मशीन है, और इसमें देखिए हम लोग हाईस्ट हीट दे रखे हैं, लो मीडियम हाई में से हम लोग हाई फ्लेम में काम करने वाले हैं। तो ये देखिए ये नॉर्मल केमई का मशीन है, नॉन प्रोफेशनल ब्रांड है, तो इसमें अगर ये काम कर गया तो अच्छा मशीन आइकोनिक वगैरह में तो काम करना ही है। और इसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है ये लगभग 200 से ऊपर ही होता है। तो इसका हीट देके अभी हम लोग कर्लिंग करके देख ले रहे हैं इसमें ट्रिपल टॉन्ग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा बाल अभी डमी का ले रहे हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए। तो कर्लिंग इसमें कैसा आ रहा है आप देख सकते हो, इसका रिजल्ट आपको आपके सामने दिखने को मिल जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा कर्लिंग हम लोग इसमें यूज कर पा रहे हैं। तो ये हेयर क्वालिटी आपको पता चल रहा है, यहाँ पे रफनेस आपको पता चल रहा है, और ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आ चुका है। तो ये तो नॉर्मल कर्लिंग टंग हम लोग यूज किए हैं, तो आप इसमें कोई भी मशीन यूज कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा फिनिशिंग मिल जाएगा। तो आपको मशीन आपने देख लिया जो मशीन यूज कर हम लोग सकते हैं इसमें। तो अभी देखिए इसका जो वॉल्यूम है मैं आपको एक और बार दिखा दे रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम आपको मिल जा रहा है। तो इस टाइप का प्रोफेशनल डमी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप अलंकारा कॉस्मेटिक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।